सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरा नाम योगेश शर्मा है और मैं यहाँ पे 30 अगस्त को एडमिट हुआ था। मेरे एक नॉन है, उन्होंने डॉक्टर साहब का रेफरेंस दिया था और उन्होंने ही बोला था कि डॉक्टर जो हैं ये अच्छे डॉक्टर हैं, आप इनको कान से रिलेटेड दिखा सकते हैं। तो मेरे कान में हेयरिंग लॉस हो गया था। हेयरिंग लॉस होने के बाद मैं यहाँ पे 30 अगस्त को आया, मैंने विज़िट किया। सर ने मेरे को, डॉक्टर मनीष प्रकाश को, जो सर हैं डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने मेरे को बोला कि आपको ये हेयरिंग लॉस हो गया है, इसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अंडर ये होगा। तो मैं 31 को यहाँ एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद सर ने मेरा इलाज किया और उस इलाज में कोई इंट्रापेनिक करके इन्होंने इंजेक्शंस मेरे को दिए, 6 इंजेक्शंस दिए और 6 इंजेक्शंस में मैं 6 दिन या 5 या 6 दिन में एडमिट रहा। और एडमिट में मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा, ऐसी कुछ नहीं है। और मेरा अब मैं 15 दिन के बाद मेरा जो हेयरिंग लॉस है वो अब 65 पहले था तो अब 30 पे आ गया है। तो काफ़ी रिकवरी हुई है और सर कह रहे हैं कि, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि और भी रिकवरी के चांसेस हैं। धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो रहा हूँ, मेरी हेयरिंग लॉस कम हो रही है। तो ओवरऑल हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस जो है वो मेरे लिए अच्छा रहा। और हमारे जो पहले हमारे एक दोस्त हैं वो यहाँ पे करा के गए थे, मिस्टर ओपी यादव जी, उन्होंने ही यहाँ का रेफरेंस दिया और पवन जी का भी रेफरेंस दिया। पवन को मैंने फ़ोन किया, पवन जी ने फिर मैंने मनीष प्रकाश जी से मेरे को इंट्रोड्यूस करा के मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया। तो ओवरऑल जो मेरा ट्रीटमेंट रहा वो बहुत ही ठीक रहा और मैं रिकवरी मोड पे हूँ।